हम फिर एक बार हाजिर हैं आप सबके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे खंड 6 का और कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो लिटरेचर जो संपादित किया गया उनके साहित्य पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आज हम मैं चाहूंगी कि आप सब एक मेरी छोटी सी रचना, स्वरचित रचना आप एक बार सुने, जिसका शीर्षक है भंगी महिला। यह मेरे लिए बहुत यादगार पल है क्योंकि इसकी रचना की जो बुनतर की गई थी वो पटना विश्वविद्यालय में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उस वक्त थे प्रोफेसर श्यामलाल जी। प्रोफेसर विमल थोराट का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं गई थी, तो वहीं पर ये रचना मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की थी, जिसका शीर्षक है भंगी महिला। भंगी महिला सहती है ढोने का दंश, उठाती है मल से भरी टोकरी, घुटनों से होती हुई छाती के बल से सिर तक पहुंचाती है भंगी महिला। गिरता है टप 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 मलमूत्र, कभी पल्लू से पहुंचती, कभी पल्लू को खिसकाती, कहीं ढल न जाए, कहीं अंट न जाए इज्जत सरे बाजार भंगी महिला। भंगी महिला कुर्डी पर पहुंचकर थोड़ी देर रुकती है, ठहरती है उसकी नजर, सोचती है भंगी महिला, मैं मलमूत्र से भी गई गुजरी। अरे मलमूत्र तो धन्य है जो कम से कम सर पर तो है। और उठाती है मलमूत्र भरा भोजा, चढ़ती है तिलांजलि देने उस सभ्य कहे जाने वाले समाज को, धिक्कारती है हुंकारती है इस व्यवस्था पर, हुंकारती है इस व्यवस्था पर, सदियों की यातना का हिसाब मांगती है भंगी महिला। भंगी महिला फेंक देना चाहती है मलमूत्र से भरा भोजा सभ्य समाज के ऊपर, छीन लेना चाहती है अपने हिंसे का खुला आसमान। अव्यवस्था के ठेकेदारों अब संभल जाओ, अव्यवस्था के ठेकेदारों अब संभल जाओ, देखो देखो वो आ रही हैं भंगी महिलाएं, हाथों में झाड़ू की जगह कलम उठाए भंगी महिलाएं, भंगी महिलाएं। इसी कड़ी में मैं चाहूंगी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं, जिन्होंने दलित साहित्य को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, कमल भारती जैसे लोग दलित साहित्य को शीर्ष तक पहुंचाया, मेरे तमाम जो वरिष्ठ हैं उनमें से हर रोज हम एक कविता का पाठ करेंगे, वह मैं हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित वह मैं हूँ। मुंह अंधेरे बुहारी गई सड़क में जो चमक रहा है वह मैं हूँ। कुशल हाथों में तराशे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं बच्चे, बच्चे के चेहरे पर जो पुलक है वह मैं हूँ। खेत की माटी में उगते अन्न की खुशबू मैं हूँ, जिसे झाड़ पहुंचकर भेज देते हैं वे उनके घरों में, भूलकर अपने घरों के भूख से बिलबिलाते बच्चों का रुदन, रुदन में जो भूख है वह मैं हूँ। प्रताड़ित शोषित जनों के क्षत विक्षत चेहरों पर घाव की तरह चिपके हैं संताप भरे दिन, उन चेहरों में शेष बची हैं जो उम्मीदें अभी वह मैं हूँ। पेड़ों में नदी का जल, धूप हवा में श्रमित शोषित गंध, बाढ़ में बह गई झोपड़ी का दर्द, सूखे में दरकती धरती का बांझपन वह मैं हूँ। पेड़ों में नदी का जल, धूप हवा में श्रमिक शोषित गंध, बाढ़ में बह गई झोपड़ी का दर्द, सूखे में दरकती धरती का बांझपन वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। ऐसी बात है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय पर चर्चा करते हुए आपने इशारे, जी हाँ बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदानों में से एक महत्वपूर्ण योगदान है वह अस्पृश्यता। अस्पृश्यता के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वांग्मय संपूर्ण खंड 6 भाग का हम पाठ वाचन करेंगे।
विश्व में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जिनकी चेतना, व्यक्तित्व और विचारधारा से समाज को नई दिशा मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक प्रबुद्ध विचारक, समाजशास्त्री और सरहरा समाज के लिए नई दिशा प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज में दलितों का मसीहा कहा जाता है, पीड़ित मानवता का उद्धार करने एवं दलित वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने में बाबा साहब के अथक प्रदर्शनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता आज मिल रही है। यूं ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्व रत्न नहीं कहा जाता। आज हम साथ ही साथ संपूर्ण वांग्मय के अलावा एक और महत्वपूर्ण कड़ी लेकर आए हैं, चर्चा का विषय लेकर आए हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संघर्ष यात्रा और संदेश में से है। दूसरा, आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वांग्मय का 16वां जो हिस्सा है उस पर हम विस्तार से आज चर्चा करना चाहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाषणों और लेखकों का 9वां खंड, कांग्रेस और गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया तथा श्री गांधी और अस्पृश्यों का सुधार आपके सामने है। सैद्धांतिक महत्व ही नहीं इस ग्रंथ का, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच के संबंधों को उजागर इसमें किया गया है। उससे पहले मैं इसका वाचन करूं, मैं एक छोटा सा जो प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संघर्ष यात्रा। विदेश से लौटने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए था उस पर उन्होंने सोच विचार करना शुरू किया। यहाँ इस कड़ी में मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी और इंटरेस्टिंगली आपको थोड़ा सा हैरानी हो सकता है, कोवलकर जी का अस्पृश्यता के बारे में क्या मानना था, इन तीनों का एक तरह से विश्लेषण करेंगे। मैं एक अध्यापिका हूं, शोधार्थी हूं, मेरे लिए साहित्य समान है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलेंगे, लेकिन इसका मतलब मेरा अपना मानना है कि ये नहीं दूसरों के विचारों पर पर्दा डाल दें या उनको हम पढ़ें ही ना। जब तक आप किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे, तो जब तक आप किसी विचार को नहीं जानेंगे, जब तक आप किसी विषय पर बातचीत नहीं करेंगे, दूसरों के मत क्या हैं उस मत को नहीं जानेंगे, तब तक मुझे लगता है आपका खुद का मत भी तरीके से सबसे बड़े आदर्श जिस रूप में है वो ये कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तमाम विषयों का अध्ययन किया था, चाहे वह धर्मशास्त्र हो भारतीय, चाहे वह दूसरी भाषाएं हों, इकोनॉमी हो, राजनीति हो, शिक्षण हो, जीवन का कोई भी एक क्षेत्र, ज्ञान की परंपरा का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अध्ययन का हिस्सा ना बनाया हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा जो एक तरह से कहीं ना कहीं कट्टरवाद जो बन जाता है, उस कट्टरवाद से हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था, उनका मानना था कि साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। उस तरीके से मार्गदर्शन ना कर पाए। तो मैं लौटती हूँ वापस, यहीं से मेरी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा शुरू होगी, जिसका महत्वपूर्ण पहलू मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्रों के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करके जो विद्या अर्जित करी थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसके बाद वो भारत लौटे। आर्थिक संकट था, परिवार का बोझ उनके ऊपर था, मित्रों से जो पैसे उधार लिए थे उनको चुकाना भी था। परिवार के पोषण के लिए बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करना उन्होंने प्रारंभ किया और बाकी बचे हुए समय में अस्पृश्य वर्ग में चेतना फूंक कर उन्हें ऊपर उठाने का काम किया। आर्थिक रूप से वो इतने टूट चुके थे कि उनके पास वकालत की मार्कशीट प्राप्त करने तक के भी पैसे नहीं थे। ऐसे समय उनके जो पुराने मित्र थे नवल थतेना ने अपनी मित्रता को निभाया और आर्थिक सहयोग भी दिया। इस तरह इतनी विद्वता के बावजूद भी उनकी राह में रोड़े बनती थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने डट कर इन सारी चीजों का सामना किया। वे ब्रिटिश राज्य के दिन थे, उस समय यह मान्यता था कि अंग्रेज जजों के सामने यूरोपियन बैरिस्टरों को बहस करने से ज्यादा सफलता मिलती है और वे न्यायाधीश को अधिक प्रभावित करने में
लेते थे। भारतीय लोग वकीलों के पास जाकर, भारतीय वकीलों के पास न जाकर यूरोपियन वकीलों के पास जाते थे। सवर्ण हिंदू वकील भी विदेशियों के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थे। इस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रारंभ में छोटे छोटे मुकदमे उन्होंने लड़े और निचली अदालतों में अपनी धाक जमानी शुरू की। उन्होंने उस दिन का संयम से इंतजार किया जिस दिन वे हाईकोर्ट में वकालत कर सके। विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं में से नहीं थे कि विषम परिस्थितियों में से सामना करने में डरते और हिम्मत को हार जाते। 1923 के प्रारंभ में जब डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत शुरू की तब की घटनाएं ऐसी घटी कि अपने देश की नीति को परिवर्तन करना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात विदेशों में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए तथा आंतरिक खलबली मच गई जिसका प्रभाव अस्पृश्य वर्ग के मन मस्तिष्क और विचारों पर भी पड़ा। शिक्षा का प्रसार हुआ, आवागमन के साधन बढ़ गए, यातायात दृश्य के साधनों में वृद्धि हुई, लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। इन सब का भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अस्पृश्यों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी बल्कि और ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत खराब हुई। लोकतंत्र की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगी। पतन हो चुका, वहां समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस समय की प्रमुख घटना यह थी कि बंबई विधान मंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि चुने गए थे। वे अस्पृश्य की समस्याओं को सदन में रखने लगे थे। माननीय ज्ञान देव ध्रुवनाथ गोलक, आनंद राव सुर्वे तथा माननीय सीताराम केशव राव बोले ने अस्पृश्यों के उत्थान के लिए सदन में विभिन्न प्रस्ताव रखे थे। राय बहादुर सेकी बोले ने 4 अगस्त 1923 को बंबई विधानमंडल में एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। अस्पृश्य सभी सार्वजनिक जल स्रोत, नदी, तालाब, कुएं में पानी भरने, धर्मशाला, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालय में मुक्त प्रवेश, सरकारी अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों में बिना रोक टोक जाने के लिए विधानमंडल प्रशंसा करता है, ऐसा प्रस्ताव विधानमंडल में पास किया गया। इस प्रस्ताव को विधानमंडल द्वारा स्वीकृत कर कानून का रूप दे दिया गया। इस कानून को 11 सितंबर 1923 से संपूर्ण बंबई राज्य, आज का जो महाराष्ट्र है और गुजरात, पहले बंबई प्रांत में कहलाते थे, लागू करने के आदेश पारित कर दिए गए। जिलाधीशों, विभागाध्यक्षों, नगर पालिका प्रमुखों को विशेष हिदायतें देकर इस कानून की जानकारी आम जनता को देकर अमल करने के आदेश दिए गए थे। मुंबई विकास प्राधिकरण और महानगर पालिका के आयुक्तों को भी इस कानून के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र भेजे गए थे और इसे असली जामा पहनने अर्थात कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। 1924 में महत्वपूर्ण घटनाओं ने जन्म लिया। वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 12 वर्ष के कारावास के बाद वीर सावरकर को अंडमान जेल से मुक्त कर दिया गया और वे 9 खत्म करने के लिए आंदोलन चला रहे थे।
अब महत्वपूर्ण हमारे सामने ये आता है कि सावरकर जो हिंदू धर्म को में सुधार करने को ही अपना ध्येय मानते थे, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण था कि जो अस्पृश्यता है उसको कैसे हिंदू धर्म के की इस बुराई से को खत्म करके इसके ऊपर जानकारी इकट्ठी की जाए हम के लिए, और कैसे गांधी जी अस्पृश्यता के लिए जुटे, और फिर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दोनों के बारे में क्या मानना था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अस्पृश्यता का बंच ऑफ थॉट में लिखा है, अस्पृश्यता रोग की जड़ जन सामान्य की इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है और इसका उल्लंघन महापाप होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ऐसे जिसमें शताब्दियों से धारकों एवं धर्म धुरंधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी घातक परंपरा जन सामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। गुरु नानक, आचार्य रामानुज, बसवेश्वर, शंकर देव, स्वामी दयानंद, नारायण गुरु, गांधी जी और वीर सावरकर से लिखे अनेक महापुरुषों ने हिंदू समाज के मस्तक पर लगे इस कलंक को मिटाने का अथक प्रयास किया है। फिर भी यह कुलुषित दाग अभी भी विद्यमान है। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लोग उन तथाकथित अस्पृश्यों को अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान के एक गांव में एक हरिजन युवक को इस कारण पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने मूछें बढ़ा रखी थी, जो केवल अक्षत्रिय विशेष अधिकार माना जाता है। हमारे धर्माचार्य भी ऐसे आचरण की निंदा नहीं करते क्योंकि गलती से वे भी इन कुप्रथाओं को ही धर्म मान बैठे हैं। वास्तव में हरिजन शब्द का राग अलापना और उस पर बल देते रहना अलगाव की उस भावना को समाप्त करने में सहायक नहीं है। यहां मैं थोड़ा सा ठहर के बात ये कि गांधी जी ने हरिजन उत्थान की पूरी एक आंदोलन के रूप में दिया और हरिजन शब्द पर बहुत सारी चीजों के ऊपर जो बाद में भारत सरकार के द्वारा बैन भी किया गया, लेकिन क्योंकि बंच ऑफ थॉट हम एविडेंस के आधार पर बात करें, तथ्य परक बात होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं आपके सामने तथ्य परक बात कर रही हूँ, मेरे सामने बिल्कुल किताब है जो जिसमें से मैं इस पढ़ रही हूँ, यहाँ इसका पाठ कर रही हूँ। तो जो गांधी जी के साथ जो उनका मतभेद था वह इन शब्दों में कैसे अंकित किया गया, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। वास्तव में रहना अलगाव की उस भावना को समाप्त करने में सहायक नहीं है जिससे उस वर्ग के हमारे भाई बंधु शिकार हुए हैं। एक बार गांधी जी से भेंट होने पर मैंने यह आशंका व्यक्त की कि हरिजन शब्द चाहे जितना भी पवित्र क्यों ना हो किंतु उसका नवीन प्रचलन अलगाववादी चेतना को जन्म देगा। ये एकदम अलग तरह की एक व्याख्या है जिसको हम शोधार्थियों को और अम्बेडकरवादियों को समझने की जरूरत है कि आखिर सावरकर का, आखिर गोवलकर का इसके ऊपर क्या मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जो गांधी जी का हरिजन शब्द था वो उस शब्द को कैसे देते थे, इसको उन्होंने साफ साफ शब्दों ने कहा। अलगाववाद को जन्म देगा और सामाजिक एकता के लिए घातक निहित राजनीतिक स्वार्थ समूहों का निर्माण करेगा, ऐसा उनका मानना था, किंतु गांधी इससे आशंकित नहीं दिखे। दुर्भाग्यवश तब से यह खाई पाटने के बजाय वर्ष प्रतिवर्ष और लंबी चौड़ी होती जा रही है। इससे उत्पन्न मतभेद राजनीतिक मंचों पर भी पहुंच चुका है। आगे हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ते हुए कि फिर जो गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अस्पृश्यता के ऊपर क्या था, जो विस्तार से अंबेडकर वांग में संपूर्ण खंड 16 में दिया गया है। भूमिका में वो बताते हैं कि ये जो मतभेद हुआ
इन मतभेदों को एक ही समस्या के दो पहलू कहा जा सकता है। दोनों ने ही अस्पृश्यता की समस्या अस्पृश्यता को समस्या माना और जब पहचाना था, परंतु उससे हल करने के तरीके के बारे में उनमें मतभेद था। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कानून और संवैधानिक संरक्षणों पर जोर देते थे। गांधी जी समझते थे कि यह समस्या एक नैतिक कलंक है जिसे प्रायश्चित द्वारा दूर किया जाना चाहिए। 24 सितंबर 1932 को हुए पुना समझौते में इस सामाजिक तथ्य को स्वीकार करते हुए निष्ठापूर्वक यह अभिपुष्टि की गई कि हिंदुओं में किसी को भी अपने जन्म के कारण अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। इसमें कुछ संवैधानिक संरक्षणों की आवश्यकता भी मानी गई। बाद की घटनाओं से नैतिक सुधारों और कानूनी उपायों की आवश्यकता की भी पुष्टि हुई। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात संविधान में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए के लिए स्थान आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार किया गया। अंगल भारतीय समुदाय में से एक व्यक्ति को नाम निर्देश के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिए जाने की प्रथा अब भी प्रचलित है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण है। हमारे संविधान की रचना बहुवादी भारतीय समाज के सभी वर्गों के कल्याणार्थ की गई। यह डॉक्टर अंबेडकर के तार्किक दृष्टिकोण तथा गांधी जी के नैतिक विचारों का समन्वय है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी दोनों को ही आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था में योगदान है। दोनों ही परिवर्तन के घटक थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण आवश्यक थे। केवल मात्र हृदय प्रवर्तन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। उनकी मान्यता थी कि स्वयं कानून से ही न्यूनतम नैतिक तत्व का समावेश हो। इस प्रकार कानून और नैतिकता को एक साथ चलना होगा। वास्तव में भारतीय संविधान में कानून और नैतिकता का विलक्षण सम्मिश्रण है। कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण उन्हें एक सृजनात्मक सुधारवादी के रूप में उजागर करता है। जैसा कि जैकब ब्रोनोविस्की ने अपनी पुस्तक ओरिजिन्स ऑफ नॉलेज एंड इमेजिनेशन, ज्ञान और कल्पना की व्युत्पत्तियों में लिखा है, सृजनात्मक व्यक्तित्व सदा वही होता है जो संसार को परिवर्तनीय समझता है और स्वयं को परिवर्तन का एक साधन। अन्यथा आप किसके लिए सृजन कर रहे हैं? यदि यह संसार अपने विद्यमान स्वरूप में ही संपूर्ण है तो फिर आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है। एक सृजनात्मक व्यक्ति संसार को परिवर्तन के एक ऐसे कैनवास के रूप में और स्वयं को परिवर्तन के घटक के रूप में देखता है। समाज सुधारक का काम सामाजिक ढांचे के दोष को बताना है। यदि वह चुप रहे तो वह समाज सुधारक नहीं कहा जा सकता। सृजनात्मकता में विवाद का भी कुछ तत्व शामिल है जो एक गणितीय अंतर्दृष्टि के उन्माद और संतुलन की मर्यादा के मध्य टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा होता है। भारतीय समाज को उसकी गहन निद्रा से जगाने के डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयत्न विद्यमान पर्यावरण में ही नए अधिमान स्थापित करने की दिशा में कदम रखा था। इसका तात्पर्य वातावरण को इस प्रकार बदलना था कि मानव व्यक्ति की पुनीतता के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। डॉक्टर अंबेडकर के लेख और भाषण ऐसी व्याख्याओं से भरपूर हैं जिनमें सामाजिक उत्तरदायित्व तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य की आवश्यकता जताई गई है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 का हवाला दिया जिसमें उच्चतम न्यायालय के माध्यम से मूलभूत अधिकारों को परिवर्तित किए जाना उपलब्ध है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जनहित के मुकदमों की वृद्धि और रिट याचिकाओं की बढ़ती हुई संख्या इस बात की द्योतक है कि वातावरण की पुनर्रचना के लिए सामाजिक परिवर्तन में कानून की अहम भूमिका है। प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर दलीप मंडल जी, कमल भारती जी, अजय नवरिया जी और तमाम दलित चिंतक, अम्बेडकरवादी व चिंतक बार बार न्यायपालिका की में आरक्षण और न्यायपालिका में दलितों का प्रतिनिधित्व, प्रोफेसर विवेक कुमार लगातार इसके ऊपर लिखते रहे हैं कि दलितों को न्यायपालिका में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
ये इस बात से पुष्ट होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो साफ शब्दों में कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण उपबंध है वह हमारी कार्य न्यायपालिका है। गत 40 वर्षों में समानता और न्याय के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई। व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा अब बढ़ गया है और व्यक्ति की स्वायत्तता परिवर्तित हुई है। यह बात उद्यमता के विकास और औद्योगिकरण की बढ़ती हुई गति से स्पष्ट होती है। यह कहते हुए दुख होता है कि कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है, परंतु समानता और न्याय तथा प्रजातांत्रिक आकांक्षाओं के मूल्य उस उपमहाद्वीप के जीवन का अंग बन गए हैं। अनोखी घटना जो कांग्रेस ने अस्पृश्यों की ओर ध्यान दिया, इसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि सन 1917 में आयोजित कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक अनोखी घटना घटी। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस का भारत की जनता से अनुरोध है कि भारत के दलित वर्गों पर जो रूढ़िगत अयोग्यताएं लगाई हुई हैं, उन्हें हटाने की आवश्यकता न्यायसंगत है, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत अमानुषिक और दमनकारी हैं, जिस कारण इन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों एवं असुविधा सहन करनी पड़ती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट की थी। मद्रास के जे ए नतेशन ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मुंबई के सर्व श्री भूलाभाई देसाई, मालाबार के रामा अय्यर और दिल्ली के आसफ अली ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री नेतसन ने कहा, देवियों और सज्जनों, इस वर्ष विषय पर वर्षों से विचार विमर्श होता रहा है, लेकिन कांग्रेस के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विषय समिति ने भारत के लिए स्वायत्त शासन बनाने की योजना के बाद हमने अपने आप में एक प्रश्न किया कि स्वायत्त शासन के कठिन कार्य को हम स्वयं पूरा करना चाहिए। सर्वप्रथम इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें देखना है कि हर प्रकार की विषमता और अन्याय को दूर किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार विशेष तौर पर आपको अत्यंत कष्टकारी और दमनकारी किस्म की असमर्थताओं का निवारण करना है। मैं समझता हूं कि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना और श्रेष्ठ धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए कांग्रेस को आप में, मुझ में और अन्य लोगों से यह कहने का अधिकार है कि दलितों के लिए स्कूल में प्रवेश संबंधी सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। कांग्रेस सभी इंसानों से यह अपेक्षा करती है कि देश के उन अधिकांश भागों में जहां उन्हें सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता, ऐसे प्रतिबंध हटाए जाएं। हमें स्वयं को प्रगतिशील बनाने और ऐसे कष्टकर प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए भारत के जनमानस में चेतना लानी होगी, और जब हमें उत्तरदायी स्वायत्त सरकार प्राप्त होगी तब हम यह कहने की स्थिति में होंगे कि भारत के सभी वर्गों को, सभी मतवालंबियों को समान सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। सभी को स्कूल और संस्थाओं में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है, ताकि भारत का जनमानस अपने सच्चे गौरवशाली रूप में अपने विकास कर गौरवशाली रूप में अपना विकास करे और अपनी परंपराओं पर गर्व करे। श्री भूलाभाई देसाई ने इस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बातचीत रखी। उसके बाद श्री रमा अय्यर ने सिर्फ श्री आसफ अली के विचार भी इसमें थे। बहुत से लोग इस बात पर ताज्जुब करेंगे कि मैंने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को, जिसे बड़ी उदात्त शैली में प्रस्तुत किया गया और जिस वाक्पटुता का समर्थन किया गया, एक अनोखी घटना क्यों कहा। परंतु जो लोग इससे पहले की घटनाओं से परिचित हैं, वे इसे अनुचित विवरण नहीं समझते। यह कई कारणों से अनोखी घटनाएं हैं। उन्होंने पूरा का पूरा विवरण दिया जो मुझे लगता है कि अस्पृश्यता के अलावा बहुत सारी असमानता और जो अन्यायपरक जो घटनाएं हैं उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सविस्तार खंड 6 में दिया है, खंड 16 में उन्होंने दिया। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी योजना ही त्याग दी, जिसको अध्याय 2 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विस्तार से लिखा। गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया। शीघ्र ही वह कांग्रेस पर हावी हो गए। उन्होंने न केवल कांग्रेस पर अधिकार किया बल्कि उसका कायाकल्प कर कांग्रेस का स्वरूप ही बदल दिया। उन्होंने 3 मुख्य परिवर्तन किए। पुरानी कांग्रेस को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह कांग्रेस केवल प्रस्ताव पास करके ही अपेक्षा करती थी कि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करेगी। यदि ब्रिटिश सरकार उस प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं करती तो साल दर साल उसी प्रस्ताव को दोहराया जाता रहा।
और भी विस्तार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी का राजनीति में क्या पदार्पण था उस पर विस्तार से चर्चा की। आगे जो मैं आपके सामने पाठ करना चाहती हूँ वह ये, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में के उत्थान करने के लिए 9 मार्च 1924 को बंबई के दामादुर सभागृह में अस्पृश्यों की एक विशाल सभा आयोजित की। इस सभा निश्चित किया गया कि अस्पृश्यों का एक ऐसा केंद्रीय संगठन होना चाहिए जो इस वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को सरकार के सामने रख सके। पारित प्रस्ताव के अनुसार 20 जुलाई 1924 को नए संगठन ने जन्म दिया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसका दामोदर हाल बम्बई में मुख्यालय खोला गया। बम्बई एक क्षेत्र को कार्य क्षेत्र बना गया। इसके उद्देश्य थे, 1, छात्रावास और अन्य साधनों में बहिष्कृत समाज में शिक्षा का प्रसार करना, बहिष्कृत समाज के सांस्कृतिक विकास हेतु पुस्तकालय, शैक्षिक कक्षाएं और अध्ययन मंडल प्रारंभ करना, बहिष्कृत वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु औद्योगिक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना, बहिष्कृत वर्ग की तमाम समस्याओं को शासन के समक्ष रखना। इस संस्था के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह सवर्ण हिंदू और प्रवक्ता सर चिमनलाल हीरालाल सतेलवाड़ थे। उपाध्यक्ष के पद विभूषित करने वालों में मेजर नसीम एपी रुस्तमजी, जिनवाला, सोलिसिटर जे के नरीमन, डॉक्टर आर पी प्रांजपे, बीजी खेर थे। डॉक्टर अंबेडकर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की रचना से डॉक्टर अंबेडकर को की व्यापक धर्म निरपेक्ष दृष्टि का पता लगता है। इस संस्था में सवर्ण हिंदुओं को क्यों सम्मिलित किया गया था इसका विश्लेषण संस्था के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। जिस वर्ग के सुधार हेतु संस्था स्थापित करना है उस वर्ग के या उसी परिस्थिति से पीड़ित लोगों के कार्यकर्ताओं के सहयोग के बिना संस्था का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह मानने के बावजूद उन्होंने यह संस्था स्थापित की है और उन्होंने यह निश्चित पता है कि वरिष्ठ वर्ग के धनवान और सहानुभूतिपूर्ण लोगों की सहायता के बिना अस्पृश्य वर्ग की उन्नति के इस बृहद कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा समझा जाएगा कि स्वजन उद्धार के महान कार्य की हानि हमने स्वयं की है। अतः सिद्ध और साधक का समन्वय कर इस राष्ट्र कार्य में मदद पहुंचाने का उद्देश्य इस संस्था के संपादन में निहित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की सदस्य संख्या बढ़ने के लिए उन्होंने एक अनुरोध का पत्र भी प्रस्ताव पारित किया जिसमें बहुत सारी चर्चाओं पर चर्चा की गई। अछूतों की उन्नति के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही थी, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने एक अलग संस्था का निर्माण क्यों किया? प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज जैसी संस्थाएं, समाज सुधारक, विधवाओं का पुनर्विवाह, स्त्री उत्तराधिकार, स्त्री शिक्षा, प्रो विवाह जैसे प्रश्नों पर विचार मंथन करती थी। जाति भेद समाप्ति और अस्पृश्यता समाप्ति के प्रश्न उसके कार्यक्षेत्र से बाहर थे। सहानुभूतिवश प्रेरित होकर वे अस्पृश्य वर्ग के लिए थोड़ा बहुत कार्य करना चाहते थे। सामाजिक संघर्ष को वे टालना चाहते थे। गांधी जी ने हरिजन नामक अखबार निकालकर अस्पृश्यों के संबंध में लिखा। अस्पृश्य उद्धार के कार्य को प्रारंभ किया किंतु छुआछूत की बीमारी को समूल नष्ट करने के बजाय वे तो केवल इस रोग के लक्षण ही ढूंढते रहे। सत्य के खोजी गांधी जी यद्यपि राष्ट्रपिता कहलाए किंतु सब क्षेत्रों में उनसे महानता की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने समझ लिया था तो समाज की समता की नींव पर पुनर्रचना करना जरूरी है, अन्यथा हिंदू समाज की प्रगति संभव नहीं। अछूतों के साथ भोजन करने से या उनके साथ हाथ मिलाने से या उन पर दया दिखाने से अछूतों उद्धार नहीं होने वाला था। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरूतियां मिटाने के लिए भारतीय विधानमंडल द्वारा एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें जाति व्यवस्था जड़ मूल से समाप्त हो सके, हिंदू समाज का नव निर्माण हो सके, पुरोहितवाद जो कि ब्राह्मण वर्ग को जन्म देता है समाप्त होना ही चाहिए, शास्त्रों और कर्म कांडों का नवीनकरण करके अस्पृश्यता फैलाने वाले तत्वों को धर्मशास्त्रों से हटाया जाना चाहिए।
अंतिम रूप में मैं कहना चाहूंगी कि इतिहास पर सरसरी नजर डालने से तो यही लगता है कि बाबा साहब और गांधी दोनों ही अछूता उद्धार के लिए प्रयासरत रहे, किंतु वास्तविकता कुछ अलग है। बाबा साहब तो सच्चे मन से इसलिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि सदियों से अधिकार विहीन अछूत समाज को उनके अधिकार मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर तो एक माँ की भांति अछूतों की दुर्दशा से दुखी थे, इसलिए अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से उन्होंने करना चाहा, जबकि गांधी जी दलितों में नर्स की भूमिका में थे। को अछूतों का हितैषी और नेता सिद्ध करके अपने अधिकारों पर हाथ साफ करना चाहते थे। अपने इस अभियान में वे काफी हद तक सफल भी रहे, इसलिए कहना होगा कि दोनों की राह एक होकर भी एक नहीं थी। गांधी जी वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक खलनायक से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं किया जा सकता कि गांधी जी का भारत के आंदोलन में अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो उन्होंने उस वक्त हासिल किया था, जिसके बदौलत गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। लेकिन सभी पहलुओं पर उनके कामों पर चर्चा की जाए यह अपेक्षा करना ही अपने आप में एक बरगलाने की स्थिति है। आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम 16 पर चर्चा विस्तार से की, अस्पृश्यता को लेकर बातचीत की। अगर किसी भी तरह के कोई मतभेद हमारी बातचीत से आपको लगा हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और कल हमारी जो वीडियो थी वो लगभग 9000 के आसपास कल की चर्चा में आप लोगों ने सुना था। मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। लेकिन मैं एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों को सबको मैं इंडिविजुअली जितने कमेंट्स आपके आए, जितने फ़ोन मेरे पास उसके बाद से आए, जितने मैसेंजर में मैसेज आए, उन सब का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, कठिन था। आशा करती हूँ कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे और मुझे धन्यवाद आभार प्रकट करने के लिए, लिखित में आभार प्रकट करने के लिए माफ़ी देंगे। मैं एक बार फिर से आप सबसे धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित साहित्य या संपादित साहित्य, उनका संपादित साहित्य, उसी पर हम चर्चा करेंगे। खासकर डॉक्टर अंबेडकर का जो संपूर्ण वांग्मय है, इस पर हम लगातार चर्चा बनाए रखेंगे 14 अप्रैल तक। सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दलित आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा, दलित बहुजन आंदोलन के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारे पुरखों की अपनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। आज जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिस तरीके का आक्रांत पूरा विश्व है, भारत भी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित है, मैं तमाम अपने मित्रों से ये गुजारिश करूँगी, घर पर रहिए, लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करिए। आप खुद सेफ रहेंगे, अपनों को सेफ रखेंगे तो समाज अपने आप सुरक्षित होगा। इसलिए घर पर रहें, घर पर ही चर्चा करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम लोग ऐसे पूरे विश्व में मनाएंगे। अभी कल ही मेरे पास गौतम जी का फोन आया कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 14 तारीख की जयंती, जो 129वीं जयंती है, हम उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन चर्चा में करिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माध्यम है हमारे पास, इन माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इसके माध्यम से भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।